पापन जी देखिए, आप वैसे तो आपको अब वो एनडीए का हिस्सा है तो जाहिर तौर पर आप उन पर बरसिएगा, वो आप पर बरसेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार जो कि ओरिजिनल आर्किटेक्ट थे इस गठबंधन के विपक्षी, सबसे पहले आपको भी याद होगा वही दिल्ली मुंबई बेंगलुरु कर रहे थे, उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी वजह है, उनके अनुभवहीनता उन्होंने कहा उनका अहंकार जिसकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। क्या ये आप लोगों के लिए एक आईना नहीं है जिसमें आप सेल्फ करेक्शन मोड में आए? अंजना जी, पहली बात तो जब जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन बनी थी और मेरे साथी राजीव जी जब डिबेट में आते थे तब सारे मुद्दे इससे बिल्कुल विपरीत थे। देखिए, गठबंधन चेंज करने से मुद्दे कैसे बदल गए? यही राजीव जी कहते थे कि देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, यही राजीव जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एजेंसी का, मुझे याद है सारी डिबेट्स, कि दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, हम लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए हम लोग आगे रहेंगे। यही राजीव जी कहते थे कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, यही राजीव जी कहते थे कि जिस प्रकार से ये सरकार जारी है आने वाले चुनाव में चुनाव ही नहीं होंगे। तो मुझे एक चीज बताइए कि राहुल गांधी जी से इनकी नाराजगी से मुद्दे कैसे बदल गए? तो आज आपको जब लगता है कि आप डर गए, आप लड़ना नहीं चाहते हैं, आपको सत्ता की रोटियां सेकनी है, आप लगता है कि आप फेस नहीं कर पाएंगे बिहार में, आपने चेंज कर लिया तो दूसरे लोग खराब हो गए। हकीकी ये थी वहां पे कि अगर आप जेडीयू की हालत वहां पे देखें कि जो इवन इंडिया गठबंधन में भी जमीनी स्तर पे हम बात करें, जेडीयू की परिस्थिति बहुत विकट थी। हमने कभी भी फिर भी ये बात नहीं की कि जब आप सब साथ में लेके सबको चलते हैं तब सबकी जिम्मेदारी होती है कि सबको लेके चले। और आखिरी चीज अभी हमारे मित्र कह रहे थे आम आदमी पार्टी के बारे में, मैं अखिलेश उन पे आ रहा हूं। अखिलेश यादव जी के साथ हमारी बातचीत चालू है, उन्होंने एक ऑफर किया है 11 सीटों का और सारा डिस्कशन चालू है। ये डिस्कशन तो होगा, ये लोकतंत्र का पार्ट है। हमारे वहां पे मोदी जी की तरह ये नहीं कहते कि आपको 30 सीटें देंगे और हमारे मित्र यहां पे आज बैठे हैं और मैं शुभकामना देता हूं कि लोकसभा के पहले आप यहां पे आके बात ना करें और आप अपनी बात पे अड़े रह पाए, उस प्रकार की शक्ति ऊपर वाला दे, नहीं तो नीतीश जी का मालूम नहीं है, रात को सपने में आके कोई कुछ बोल देगा, कल वापस अपना स्टैंड चेंज कर लेंगे, तो उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। सुधांशु जी, आपने कहा आम आदमी पार्टी की नहीं है। रोहन जी, आप कह रहे हैं 11 सीटों पे थे, दोनों लड़ेंगे जीतेंगे, राहुल जी अमेठी से लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका जी, बिल्कुल कंफर्म। देखिए, आपको आने वाले समय में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, अंजना जी मैं भी आपकी जैसे, आप आज तक के लिए कुछ बोल नहीं सकती कि ऊपर क्या हो रहा है, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, तो प्लीज मैं मेरा काम कर रहा हूं, मुझे ईमानदारी से मेरा काम करने दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, सुधांशु जी आप अपनी बात कर रहे थे, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने की बात नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। जिस प्रकार से अंजना जी आपको पूरा डिबेट इस मुद्दे पे करना चाहिए था, अनिल मसी ने जिस प्रकार से आज स्वीकार किया कि 8 वोट में मैंने वहां पे काटाकुटी की है, लोकतंत्र की हत्या हुई, ये क्या हो रहा है? अगर भाजपा को उतना ही भरोसा है मोदी जी की गारंटी पे तो लोकतंत्र की हत्या क्यों करनी पड़ रही है? क्यों दूसरे दल के नेताओं को लाना पड़ रहा है? क्यों उनके जो कार्यकर्ता सालों से, सुधांशु जी बेचारे मेहनत करके इतने सालों के बाद राज्यसभा में पहुंचे, दूसरी पार्टी के नेता जिनको कल तक गालियां दे रहे हैं, सुधांशु जी गालियां दे रहे हैं, फडणवीस जी गालियां दे रहे हैं, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाना पड़ रहा है? कैसी ऐसी मजबूरी है? अगर गारंटी में है दम तो फिर क्यों कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ इतना बड़ा अन्याय, मुझे वो बताइए ना। उनका कार्यकर्ता भी तो इसीलिए कहता हूं कि जब दिया जो है जो फड़फड़ाता है ज्यादा, जब दिया जब ज्यादा फड़फड़ाता है, समझ लो कि उसका जो है जाने का समय आ गया है। और इसीलिए जो अहंकार है कि बाहर के लोगों को आके अपने कार्यकर्ता के सर पे बिठा के मलाई वाली चीजें उनको दो और कार्यकर्ता को बोलो कि रोड पे मजदूरी करे, ये पार्टी के अंत की शुरुआत है। सुधांशु जी, कहीं आप लोगों की कमजोर नक्स तो नहीं है? सुधांशु जी, अंदर ही अंदर पैराशूट लैंडिंग फिर से बहुत हो रही है, ऐसा ही 19 के पहले भी हुआ था, वही 24 के पहले भी हो रहा है। देखिए, इन्होंने कहा दिया फड़फड़ाने की बात, अंजना जी तो दिया जो है वो आसाम से लेकर चंदौली तक फड़फड़ाता हुआ चल रहा है और ऐसा फड़फड़ा रहा है जहां जा रहा है वहीं सबको निपटाए दे रहा है। मतलब गुवाहाटी से शुरू होता है तो चौपाटी में देवड़ा जी पार्टी छोड़ देते हैं और फिर जहां जहां गया उसको क्या बार बार रिपीट करें। बंगाल में गए तो दीदी चली गई, झारखंड में गए तो सरकार बच गई मगर सीएम चला गया, बिहार में गए तो नीतीश कुमार जी चले गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नीतीश जी को आप याद करिए, उस समय यह बात आई थी, नीतीश जी इस बात पे ही उनको आपत्ति थी कि जो इंडिया नाम रखा गया, यह बात मीडिया में आई थी और वो देखिए कितनी सतही राजनीति ये लोग करते हैं। अंजना जी कोई जाके डिजिटल डाटा चेक कर ले, जिस दिन ये इंडिया गठबंधन नाम रखा गया उस दिन मैंने एक नहीं अनेक टीवी चैनल पर पूछा था, इनके कोई भी प्रवक्ता इंडिया गठबंधन का हिंदी में पूरा नाम नहीं बता पाए।
और आज भी किसी से पूछा जाए तो बड़ी सहजता से आदमी उसका हिंदी में नाम नहीं बता पाता। अंग्रेजी में भी एक छोटी सी बात जो नीतीश जी का ऑब्जेक्शन रहा होगा, सही, इंक्लूसिव वर्ड है। ये इंक्लूसिव का ऐसा शब्द है जो शहरी वर्ग जो अंग्रेजी समझता है उसके अलावा आप किसी से जाके ग्रामीण और देहाती क्षेत्र में पूछ लीजिए, इंक्लूसिव वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा। कितनी सतही ड्राइंग रूम वाली सोच और सोचते हैं बस इस ढंग के नैरेटिव बनाकर हम भारत में बदलाव ले आएंगे, तो उस गलतफहमी के कारण ही आपके साथ यह स्थिति आने की। आप लोगों का नैरेटिव क्या है सुधांशु जी, सांसद जी, पटना से शुरू हुए थे, आप लोगों का नैरेटिव क्या है, आप लोगों का नैरेटिव क्या है? अभी अभी एमपी पहुंचे नहीं है राहुल गांधी और लग रहा है छिंदवाड़ा में कुछ हलचल ज्यादा हो रही है। मैं वो भी जवाब दे देता हूं। हमारा नैरेटिव बहुत साफ है, गरीब का कल्याण, देश का चहुमुखी और तेज विकास, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ और सांस्कृतिक गौरव उन्नत, ये चारों चीजों पर बिल्कुल स्पष्ट है हमारा। और इनकी जहां तक बात है, अंजना जी मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, ये तो कांग्रेस की फितरत है टूटने की भाई। जब शरद पवार जी छोड़े थे तो मोदी जी अमित शाह जी थे क्या? जब ममता बनर्जी छोड़ी थी तो मोदी जी अमित शाह जी थे क्या? जब जगनमोहन रेड्डी छोड़े थे तो मोदी जी अमित शाह जी थे? और थोड़ा पीछे जाइए 90 के दशक में रोहन जी, जब अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी छोड़े थे तो भाजपा थी क्या? और पीछे जाइए 77 के दशक में, जब जगजीवन राम देवराज अर्ष छोड़े थे तो भाजपा थी क्या? और पीछे जाइए 67-68 में, निजलिंगप्पा कामराज नीलम संजीव रेड्डी मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह छोड़े थे तो भाजपा थी क्या? कारण यह, एक परिवार की झंडा बरदारी, नहीं तो वफादारी, नहीं तो बाहर। इसीलिए अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा, सात परिवारों के फरमा बरदार, सात परिवारों के फरमा बरदार लोकतंत्र के झंडा बरदार बन के खड़े हैं, तो देश की जनता को उनसे खबरदार करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने तीन तीन चार चार पीढ़ियों तक अपनी पार्टी में किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में वास्तविक सत्ता नहीं आने दी। वो लोग आकर जब कहते हैं, और मैं रोहन जी एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, ये राहुल गांधी जी को जो लोग ये चिटबिट देते हैं एनजीओ वाले, उनसे कहिए थोड़ा सा स्टडी कर लिया करें। मतलब किसी भी बात को कहते समय यह भी ध्यान रखा करें कि कांग्रेस का शासन रहा था, वो कहते हैं इतने साल में इतनी बड़ी महंगाई बेरोजगारी आपके भी मुंह से निकल गया 43 साल की, हम किस में बैठे हैं 2024, 43 साल पहले क्या हुआ 1981, इसमें 91 भी आया जिसमें सोना गिरवी, दो बार रुपए का डिवेल्युएशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन याद है 17% ग्रोथ रेट याद है माइनस में, और प्रचंड बेरोजगारी। अभी 2008-09 में जाके देख लीजिए क्या बेरोजगारी क्या महंगाई की दर, आपकी सरकार का डाटा है 2004 से 9 के बीच में केवल 27 लाख जॉब क्रिएट हुए थे जिसको आप सबसे आगे कह रहे थे। इसलिए उनसे कहिए जब ये सिखाया करें, अब जैसे एक वही बात बोल दिए मोदी जी के बारे में कि 50 साल से ये ओबीसी नहीं थे, अरे जनाब 50 साल किसकी सरकार थी? मंडल कमीशन आया 7 अगस्त 1990, उसके बाद वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट का जजमेंट आया 1994, भारत सरकार में ओबीसी की लिस्ट ही 94 में बनी, इससे पहले सब राज्यों की थी, 47 साल तक तो लिस्ट नहीं थी भैया सरकार थी। ये कौन चिट थमा देता है भाई, बोलना शुरू कर देते हैं कोई भी। मैं जवाब दे दूं, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा हर 9-10 महीने में राहुल गांधी जी का एजेंडा चेंज हो जाता है, सुधांशु जी सुन लीजिए, हर 9-10 महीने में चेंज हो जाता है क्योंकि वो कोई दूसरी पर्ची खवा दिया आपने। और रोहन जी ये भी बताइएगा, एक सेकंड, पहले तो इंडिया गठबंधन में सबको जोड़ना बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें जेडीयू राजीव रंजन जी बैठे हुए हैं, सब निकल रहे हैं, यहाँ पर अखिलेश बाबू मंच पर नहीं आ रहे हैं, वहां पर ममता दी ने अलग कर लिया है, वहां आम आदमी पार्टी कह रही है पंजाब में अलग लड़ेंगे। अभी तो आपको आपके लिए क्राइसिस अपनी पार्टी के नेताओं को बचा कर रखना, आप लोग पूरी ताकत इसी में झोंक रहे हैं कि कहीं कमलनाथ जी बीजेपी तो में तो नहीं चले जाएंगे, फिर बीजेपी का कोई नेता आके सामने कहता है नहीं नहीं हम उनको नहीं लेंगे पार्टी छोड़ने के बाद, तो कभी कमलनाथ कभी सिद्धू साहब कभी कोई क्या चल रहा है? आपकी एनर्जी तो इसमें जा रही है अंजना जी, ये सत्ता का खेल चल रहा है, ये सत्ता का खेल चल रहा है, और जिस प्रकार से एक लोकतंत्र की हत्या पूरे देश के सामने हो रही, पूरा देश उस चीज को देख रहा है। मैंने जब बात की, मेरी शुरुआत की, मैंने चंडीगढ़ से शुरुआत की, सुधांशु जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते क्यों, उनके मुंह से जब चंडीगढ़ के नाम की बात आती है दही जम जाता है। देश के सामने कैमरे के सामने अनिल मसीह जैसे व्यक्ति पूरे वोट के साथ छेड़खानी करते हैं, बात यहां पे आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की नहीं, बात है लोकतंत्र की हत्या की। आपकी सरकार के राज में क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक अधिकारी 8 वोट को बदल रहा है और आप बेशर्मी से यहां पे बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? किसके शासन में हो रहा है? भाजपा के शासन नहीं है क्या? अगर आपकी थोड़ी भी शर्म होती तो आपकी सरकार बोलती या मोदी जी बोलते कि नहीं ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुए, हम हमारा जो मेयर है वापस करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब आपके मेयर ने रेजिग्नेशन दिया और फिर भी आप बाज नहीं आ रहे हैं।
फिर भी आप काउंसिलर को ले रहे हैं कि भैया वापस अगर वोटिंग हुई हमको तो सत्ता चाहिए। आप सत्ता के बिना रह नहीं सकते हैं, आप फड़फड़ाते हैं सत्ता के बिना। और आप जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कांग्रेस की बात, आपको बता दूं सुधांशु जी कितने भी आपने आक्षेप किए सोनिया जी के सामने, जब आप विदेशी होने का आक्षेप किया ये जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया और आपकी बोलती बंद कर दी। जितनी भी बार आपने बोला कि कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस फिनिक्स की तरह आग में से निकल के बाहर आई और वापस कांग्रेस खड़ी हुई, क्योंकि देश की जनता के दिल में कांग्रेस है। या कांग्रेस के पार्टी को कई बार यह हुआ है कि खामियाजा भुगतना पड़ा है, पर कभी भी भाई के भाई को नहीं झगड़ा है। आपकी राजनीति में है कि आपकी राजनीति के मूल में है हिंदू मुसलमान। अब देश की जनता को लड़वा रहे हो, झगड़वा रहे हो, डरा के रखते हो, क्या समझ रखा है आपने? जब आंख खुलेगी जनता समझेगी, समझ रही है जनता कि हमारे मुख्य मुद्दों का क्या हो रहा है। आपको मालूम है कि जब तक आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करती रहेगी, जनता के महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान, इन मुद्दों पे आपको जवाब नहीं देना संदेश पड़ेगा। खाली में जो हो रहा है, होती तो किसानों को इस तरह से रोड पे नहीं जाना पड़ता। मुद्दा है जैसे हाथरस की खबर को आज तक ने उठाया और उसके बाद पूरे देश में आप लोग के भी नेता वहां पहुंचे थे, संदेश खाली आपके लिए मुद्दा है या नहीं है पश्चिम बंगाल का? बिल्कुल है, और हमारे जो स्थानीय इकाई है बिल्कुल मुद्दा उठाया है। जहां पे मुद्दों की बात है, बिल्कुल नहीं अंजना जी, देखिए ये मुद्दों की बात में मैं आपको बता दूं, मणिपुर हो या संदेश खाली, कहीं पे भी अगर महिलाओं की बात आ गई, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो अगर गलत है वो गलत है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। मुझे मणिपुर की घटना के बारे में, जो प्रधान के बारे में बोला, क्यों मणिपुर में नहीं, मुझे सवाल का जवाब दीजिए, जो बंगाल में इतना उछल उछल के बोल रहे हैं मणिपुर पे क्यों चुप बैठे थे? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को जाने के लिए बोला गया? क्यों संसद के पटल पे मणिपुर पे बोलने को तैयार नहीं था? बातें करने से काम होता नहीं होता सुधांशु जी? जवाब देना क्या सिर्फ विरोधी विपक्षी पार्टी वाले, ठीक है टाइम की कमी है, विपक्षी पार्टी वाले राज्य में ही रेप का मुद्दा उठाएगी बीजेपी, जैसे विपक्ष उन राज्यों में उठाएगा जहां आपका शासन है? चश्मा लगा लिया है सबने इसमें? नहीं, कहां उठाया है अंजना जी, इन्होंने मणिपुर में कहां उठाया मुद्दा? मणिपुर में एक आंदोलन बताइए मणिपुर सरकार के विरुद्ध, मणिपुर सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाए हो, केंद्र सरकार के विरुद्ध लाए, मणिपुर को मुद्दा बनाकर केंद्र की राजनीति करनी है, मणिपुर में कुछ नहीं बोलना है, ये इनकी हकीकत है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इनको संदेश खाली की विधानसभा की बात, विधानसभा की बात, अंजना जी अगर इनको महिलाओं से मतलब होता तो इनको केरल की लव जिहाद की जो शिकार महिलाएं, जिनके लिए इनके मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल की विधानसभा, उससे मतलब नहीं है, जो कश्मीर में हुआ उससे मतलब नहीं, वोट बैंक पे तौलना है क्योंकि वो महिलाएं आदिवासी हैं, उससे तगड़ा वाला वोट बैंक उसके साथ है, जो इनका है भी नहीं, वो शाहजहां शेख वाला वोट बैंक ज्यादा तगड़ा है, तो उस पर चुप्पी रखनी है। इनका नेता प्रतिपक्ष जो अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ममता जी के लिए क्वीन ऑफ क्रुएलिटी और देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और दूसरी तरफ जयराम रमेश जी दिल्ली में क्या बोलते हैं? अरे भाई, टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी नीड ममता जी।